अगर आप कनाडा में हैं और आप अपनी टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कितना जल्दी हो पाएगा, कितना टाइम लगेगा और कहाँ पे आप अपनी जॉब को फाइंड आउट कर पाओगे इस तरह की, और क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा विद वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प। तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड भी होगा, समझ भी पाओगे आप हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका वर्क वीज़ा भी हो जाएगा, वर्क परमिट भी हो जाएगा और आपका ईजी पीआर भी हो जाएगा। इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा इनटू वर्क परमिट एंड देन गेट इनटू द पीआर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो चलते हैं मेरे मुद्दे पे। अब जो भी लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं कनाडा पे, तो आजकल टूरिस्ट वीज़ा लगाना बहुत ही आसान हो गया, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई पर्सन हो जो सिर्फ 2-3 सालों से वर्क कर रहा है। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है अगर आपने इनकम टैक्स फाइल किया हुआ है वो लास्ट 2 ईयर्स का। सेकंड चीज़ होती है मेन, वो होता है आपका फंड। अगर आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स है आपके सेविंग अकाउंट में और आपके फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो वही आपको सिर्फ शो करना होता है कि आपके पास इनफ फंड्स है टू कम टू कनाडा। अगर आप स्टूडेंट है और आपके पास कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपने इनकम टैक्स भी नहीं भरा हुआ, ना ही आपके पास फंड्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप वो शो कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या कुछ ऐसा फंड्स है, कुछ सब टेम्परेरी के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए आप फंड्स को आप लगा सकते हो, अपनी सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो फॉर लास्ट 5 to 6 months, दैट इज़ इनफ। तो वो इनफ है फॉर टू गेटिंग अ टूरिस्ट वीज़ा फॉर कनाडा। मैंने इवन ये भी देखा, अगर आपके पास सिर्फ 90,000 रुपीज़ है अकाउंट के अंदर, तब भी कनाडा आपको टूरिस्ट वीज़ा दे रहा है। अगर आपकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तब भी आपको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा दे रहा है इजीली। अगर आपने सिर्फ 12th पास आउट हो और आप उसके बाद भी आप कनाडा आना चाहते हो और आपके पास सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख रुपये भी है, तब भी आपको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा दे रहा है। बिकॉज उसके कई रीजंस है। कनाडा में अभी काफ़ी इन्फ्लेशन चल रहा है एंड देर इज़ नो डाउट ऑन इट, और काफ़ी वो चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करे, इन्फ्लेशन को डाउन करे और अपनी जो इकोनॉमी को बूम करने के लिए उसे चाहिए मनी। सिंपल टर्म्स में कहूँ, पैसा चाहिए। तो पैसा दो तरीके से कनाडा में आता है। एक तो आता है स्टडी वीज़ा पे, अगर मैं आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, मैं फॉरेन मनी के रिगार्डिंग बात करूँ, तो एक आता है स्टडी वीज़ा पे और दूसरा आता है टूरिस्ट पे। टूरिज़्म में कनाडा काफ़ी डाउन है क्योंकि काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं। तो जितने भी लोग आते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं कनाडा में, वो मैक्सिमम स्टडी वीज़ा पे ही आते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा लगाने के टाइम पे एक समरी आती है, उसमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कि लास्ट 1 ईयर या लास्ट 2 ईयर्स पे आप क्या, आपका एक्सपीरियंस था, क्या आपका वर्क था, आप क्या करते थे। तो ये मेक श्योर करना कि आप जो दिखा रहे हो, एक तो वो राइट हो, सही चीज़ हो, दूसरी चीज़ आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा में मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप शेफ़ का काम अच्छा करते थे, आप शेफ़ थे और आपको शेफ़ में ही जाना है क्योंकि यहाँ पे शेफ़ की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। अगर यहाँ पे अगर आपको सिंपल सी मैं लैंग्वेज में कहूँ, तो यहाँ पे LMI अप्रूव्ड तरह की जॉब्स भी बहुत सारी है जो आपको jobsbank.gc.ca में आपको ईजिली मिल जाएगी। लेकिन वो जितने भी आपको वर्क मिलेगी वो सारे लेबर टाइप वर्क ही मिलेगी, लाइक रेस्टोरेंट में या हो या शेफ़ में हो या बार्बर के रिगार्डिंग हो या टैटू के रिगार्डिंग हो या मशीन्स ऑपरेटर हो, इस तरह के आपको वर्क मिलेगी या आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको वर्क मिल जाएगी। और ये सारी तरह की आपको LMI अप्रूव्ड, प्री अप्रूव्ड आपको जॉब्स मिलती है, क्योंकि LMI दो तरह की जॉब्स मिलती है LMI में। एक होती है प्री अप्रूव्ड जो ऑलरेडी है, जो आपको मैंने बताया jobsbank.gc.ca में आपको ऑलरेडी आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। और एक होती है आपको अप्रूव करवाना। फॉर एग्जाम्पल, आप शेफ़ थे और आप यहाँ पे आते हो और आप किसी रेस्टोरेंट में आके बात करते हो कि मैं यहाँ पे शेफ़ था पहले इंडिया में और मुझे अगर कोई शेफ़ की अपॉर्चुनिटी या कोई वैकेंसी है तो मैं करना चाहूँगा। अगर आप अच्छे हो, आप अच्छा करवा, आपका टेस्ट अच्छा, आपका हाथ में उस चीज़ में, जॉब में पकड़ अच्छी है, तो और जॉब में उसमें अपॉर्चुनिटी होती है, ओपनिंग होती है, तो आप जाके बात कर सकते हो और फिर आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर LMI लगाता है कनाडा गवर्नमेंट में। तो एक होती है प्री अप्रूव्ड जो ऑलरेडी वेबसाइट पर आपको मेंशन होती है और एक होती है अप्रूव करवाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वर्क आपने दिखा रखा था, जो आपने एक्सपीरियंस दिखा रखा था एट अ टाइम ऑफ टूरिस्ट वीज़ा पे, और वही आपको सेम अपॉर्चुनिटी कनाडा में मिल जाती है, तो आपके लिए वेल एंड गुड है। तो आपका जो वर्क परमिट, आपका जो वर्क वीज़ा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा टूरिस्ट से वर्क, उसमें वर्क परमिट में, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना या 2 महीने लगेंगे। और अगर आप का शेफ वाला वर्क था और आप कारपेंटर में जाते हो, मतलब लाइन ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, तो उसमें कम से कम 3.5 या 4 महीने लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस प्रोफाइल में आप जा रहे हो। और यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस हैं वो मैक्सिमम LMI अप्रूव्ड होते ही है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिमांड्स हैं इन बिजनेसेस की, कारपेंटर की, टैटू आर्टिस्ट की, बार्बर की, शेफ़ की,
फ्रॉक लिफ्ट की, मशीन ऑपरेटर की, कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारी डिमांड्स है, बहुत सारी डिमांड्स है, काफ़ी लेबर्स की डिमांड है इसमें। इसलिए इस तरह की आपको जॉब्स आपको ईजिली मिल जाएगी उस वेबसाइट पे जो भी आपको मैंने मेंशन किया था, jobsbank.gc.ca में। और ये सारी जॉब्स आपको LMI अप्रूव्ड भी होगी। इवन आपको एग्रीकल्चर फील्ड में या फार्म फील्ड में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी जो कि LMI अप्रूव्ड होगी। लेकिन ये जो आपको वर्क करना पड़ता है, ये क्लोज परमिट होता है 1 ईयर का। इसका मतलब, क्लोज परमिट का मतलब ये होता है कि आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ 1 साल तक वर्क कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि वही आपको एम्प्लॉयर अब्यूज़ भी करता है या आपको उतना अमाउंट नहीं देता, उतना पर आवर पे नहीं देता जितना आपसे बात हुई होती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको इतने आवर्स नहीं मिलते, इतने वर्किंग डेज नहीं मिलते, इतने वर्किंग आवर्स नहीं मिलते जितने कि आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपको रिक्वायरमेंट होती है टू सर्वाइव इन कैनेडा। तो कभी कभार आप लोग की जब क्लोज परमिट होता है तो आप सिर्फ एक एम्प्लॉयर के साथ ही वर्क करते हो। अगर आप किसी और के साथ वर्क करोगे तो वो इलीगली हो जाएगा, और अगर पकड़े जाओगे तो आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एज एन ड्राइवर की। अगर आप एज एन ड्राइवर कनाडा में आना चाहते हैं तो ड्राइवर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं एज एन ड्राइवर और कनाडा में आते हैं, तो काफ़ी सारे ड्राइविंग स्कूल्स भी है जो आपको एज एन टूरिस्ट वीज़ा में ही आपको कोर्स करवाते हैं, ड्राइविंग क्लासेस देते हैं जो 1-2 महीने के लिए वैलिड होती है। 1-2 महीने के बाद आपको टेस्ट देना होता है, टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको मिलता है लाइसेंस। और जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आपको सेम प्रोसेस कुक या शेफ वाला ही होता है। आप या तो पोर्ट में जा सकते हो, वहाँ पे जाके आपको लाइक न्यूयॉर्क के पोर्ट पे जाके, आपको बॉर्डर पे जाके, वहाँ पे आपको 2-3 आपसे वीज़ा ऑफिसर आपसे 2-3 4 क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका आईलेट्स में क्या, आपका क्या स्कोर था, आपको वर्क परमिट कैसे मिला, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा अगर आपको बॉर्डर पे नहीं जाना तो आप विद इन कैनेडा भी आप उससे अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 1-1.5 महीना का टाइम लगता है अप्रूव होने में, हर एक चीज़ आने में, आपको वर्क परमिट आने पर। और ऐसी बहुत सारी जो लाइसेंस है, बहुत सारी कंपनीज में आप जा सकते हो जो ऑलरेडी LMI अप्रूव्ड होती है। तो LMI अप्रूव्ड होगी तो आपका वो सिर्फ उनको नाम चढ़ाना होगा, और विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको आपका वर्क परमिट मिल जाएगा। तो इस तरह की कंपनीज आपको बहुत सारी ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ओंटारियो प्रोविंस में, इवन वैंकूवर में, या मैं कहूँगा ब्रिटिश कोलंबिया में, आपको बहुत सारी आपको जॉब्स मिल जाएगी ईजिली जो LMI अप्रूव्ड होती है, स्पेशली फॉर द ड्राइवर्स के लिए। तो इस तरह आप अपना टूरिस्ट वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो ड्राइविंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, या टैटू आर्टिस्ट हो, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है शेफ़ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। आपके पास बस टैलेंट होना चाहिए, आपको जॉब्स ईजिली मिल जाएगी। फिर भी आप एक बार, मैं आपको एक बार एडवाइस करूँगा कि jobsbank.gc.ca पे जाइए, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह की जॉब्स अभी काफ़ी डिमांड में चल रही है। स्पेशली जॉब्स वो लेबर टाइप जॉब ही है, अगर आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ, और वो सारी जॉब्स LMI अप्रूव्ड होती है, उस पर पूरा मेंशन होता है। अगर आप वो वर्क कर सकते हो तो उसमें ज़रूर जाइए, आपके काफ़ी सारे पैसे भी सेव हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि वो एक क्लोज परमिट होता है 1 ईयर का, तो थोड़ा ध्यान से और सोच समझ से करना जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम और अपने पैसे। So if you like this video, just give a like, and if you want to support me, you can support me through subscribing my channel. So milte ek aur nayi video mein with new information ke sath. Tab tak ke liye goodbye and have a great day.